तो अपने ही बेटे से ब्रह्मा जी आकर्षित हुए और ये देखकर जो सारे प्रजापति और सारे ऋषि मुनि सब हम क्या करें, वो तो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी हैं हम सबके परम पिता हैं, उनको हम बोल भी नहीं सकते हैं और ये तो बहुत घोर है और थोड़ा क्या करें। ये देखकर शिव जी को बहुत गुस्सा आता है कि कोई अपने बेटी के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो शिव जी कई पुराणों में वर्णन है कि शिव जी ने उन्होंने काल भैरव का सृष्टि किया और उनको आज्ञा दिया कि ब्रह्मा जी का सर काट। और कई पुराण में ऐसा वर्णन है कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया और अन्य पुराणों में वर्णन है, जैसे भागवतम में वर्णन है कि देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान को बचाइए, क्या कर रहे हैं। तो तब जो है तब ये इनका प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को भगवान संदेश देते हैं कि आप ये शरीर को छोड़ो। तो तब भगवान के कहने से ब्रह्मा जी अपना शरीर बदल देते हैं। ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना मतलब वो जैसे उनका मन बदल जाए, क्योंकि उनके शरीर बहुत सूक्ष्म है, जैसे उन्होंने अपने मन बदल लिया तो उनका पुराना शरीर छूट गया, नया शरीर। हमारा जैसे लंबा प्रोसेस नहीं उनको शरीर बदलना, जैसे उन्होंने अपने मेंटालिटी चेंज कर लिया तो ब्रह्मा जी का शरीर बदल गया। तो इस प्रकार से काम वासना के शिकार ब्रह्मा जी भी हुए। राधे, राधे, राधे।